अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है ना रात है, और आज रात को बड़ा दिल कर रहा है कि हम कोरियन कन्वीनियंट स्टोर जाएं और उधर से कुछ खरीद के आए। तो कहाँ से जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और क्या खाएंगे वो चलो साथ मिलके चूज करते हैं। बड़ा दिल कर रहा है, क्रेविंग हो रही है कुछ कोरियन खाने की। ये चुटकी से क्या हमारा कन्वीनियंट स्टोर सी यू। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे वैरायटीज़ है, यहाँ पे नूडल्स है, ये है चापक घुरी है, फिर तुकपोकी है, और फिर क्या क्या है ये देखो, सी फूड पार्टी है, स्पाइसी नूडल्स, चापागेटी है, और ये वाले भी हैं जो कि एक्सट्रीम स्पाइसी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज क्या खाएं। एक तो मुझे ये भी खाने का बड़ा दिल कर रहा है, योपोकी, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं की। इसमें देखो चॉकलेट लगा हुआ है ना, है तो ये कोरियन, जापानीज क्यों लिखा हुआ है, शायद इंटरनेशनली आया होता है ना, तो इसलिए ठीक है। एक ये है ऑप्शन में, और एक मैं ये खा सकती हूँ फुरतक बुगुम्योन एक्सट्रीम स्पाइसी नूडल्स, ये भी खा सकते हैं अभी। और उधर दूर भी कुछ पॉपकॉर्नस हैं, तो क्योंकि मूवी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी खा सकते हैं। तो मूवी देख रहे हैं ना, तो पॉपकॉर्न खाया जाए। अरे ये क्या है, ये तो उधर कोरिया में तो नहीं मिला था, नया नया आया है। सिनेमा पॉपकॉर्न, सिनेमा पॉपकॉर्न बोथो गार्लिक बटर गार्लिक पॉपकॉर्न कोरियन में। देखो आपकी बहन कोरियन भी रीड कर दिया हो, यहाँ भी कोरियन लिखा हुआ है। तो चलो इसको हम खाते हैं अभी। तो चलो फाइनली हमने चूज कर लिया, एंड थैंक यू सो मच कन्वीनियंट स्टोर। ऐसा कन्वीनियंट स्टोर वाला सबको दे जो फ्री का है, अब उठा के खा लो, कोई पेमेंट नहीं है, क्योंकि ये बस मेरा है ना, मालिक हूँ मैं इसकी, तो फ्री में ही खाएंगे। तो चलो ये मिल गया, ये खाते हैं इसका। ईमान, आज हम खाएंगे पॉपकॉर्न। हाँ, और आज हम देख रहे हैं एवेटार मूवी, और आर्यन, अरे अरे तुम इसे मोबाइल चलाना सिखा रहे हो मैसेज में, गलत बात नहीं है, अभी से तो सीखना पड़ेगा ना। इसका इंस्टाग्राम फ्रेंड्स मैं हैंडल करती हूँ, ये अभी इमोन इसको मोबाइल सिखा रहा है, तो ये तो खुद ही चलाने लग जाएगा। फिर ऐसे नहीं करो, अभी चलो खोलो इसको, अनबॉक्सिंग प्लीज, चलो खोल के देखो। अरे हटाओ यार मोबाइल, नहीं आर्यन नहीं खाए। ओ दिखाओ कैसा है चीज़। ये रहे हमारे पॉपकॉर्न, ये बस खाने में लगा है, थोड़ा व्लॉग तो करने दो। ये पॉपकॉर्न, और ये गारंटी देती हूँ ऐसे पॉपकॉर्न आपने कहीं नहीं खाया होगा, क्योंकि गार्लिक सच में बटर है और चीज है, पाउडर चीज, परमिशन, परमिशन चीज, हाँ परमिशन चीज। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है ना हो गई है सुबह हमारी, और जो सुबह सुबह है ना मूड जो है बिल्कुल भी वो है क्या है, डल डल, क्योंकि कल रात को मेरे साथ सीन हो गया था। कुछ दिनों से मेरी ना सहरी नहीं हो पा रही है, और कल रात को ऐसा हुआ था कि मैं ना अलार्म लगा के सोई थी, मेरे मोबाइल में क्या मसला आया है पता नहीं यार, मेरा अलार्म जो है ना वो बजता ही नहीं है। तो दो मिनट सहरी के दो मिनट पहले अलार्म बजाया, और नींद से उठते ही मैंने पिया है जल्दी जल्दी से पानी, और फिर ऐसे कर ली मैंने सहरी। तो आज के मेरे रोज़े जो है ना विदाउट सहरी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ टाइम जा रहा है, अलार्म नहीं बजता था, यही बस प्रॉब्लम है। तो अभी चलो हम नीचे चलते हैं, मैंने कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना है वो करते हैं, और आज के दिन करते हैं शुरू। और फ्रेंड्स ये है मेरी आज की ड्रेसिंग, तो चलो आज चलते हैं नीचे, सबसे पहले करेंगे ऑर्डर वॉर्डर। और घर देखो पूरा खाली खाली है, अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि दिन का टाइम है तो कौन लाइट्स खोले। चलो नीचे चलते हैं। तो यार आज जो है ना मुझे कुछ ऑनलाइन सामान ऑर्डर करने, वो तो मैं अभी ऑर्डर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आज हम इफ्तारी में क्या करें, क्योंकि कल हम जब बाहर गए थे ना तो दैट एक्सपीरियंस वाज वर्स्ट, मतलब इफ्तारी के टाइम बाहर जाओ आप रमज़ान के टाइम, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। तो इसलिए अब मैं सोचा है कि यार मुझे घर में ही कुछ करना चाहिए, तो अभी मैं इसलिए सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ आज, जो चीज़ मुझे मतलब खाने की बड़े दिल कर रहा हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन वो सारी तो नहीं बना सकती, तो आज हम ना बनाएंगे, क्या बनाएं, बर्गर बनाएं या फिर डोमिनोज की ब्रेड बनाएं या फिर हलीम बनाएं, या मुंह में पानी आ रहा है रोजे में। हम आज बनाते हैं चीज़ से कुछ बनाते हैं, ठीक है, चीज़ से, मैदे वैदे सब कुछ है घर में, मैं चीज़ जो है ना वो ऑर्डर कर लेती हूँ, मोजरेला चीज़, उसके साथ देखो क्या ऑर्डर कर सकती हूँ, फिर ऑर्डर करके आपसे मिलती हूँ। तो क्योंकि ये फ्रेम्स मेरे आँख के सामने आ गए, जब आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ बांग्लादेश में देखूँ वही है ना, बांग्लादेश में मैं तो आई अभी दो साल में, लेकिन उससे पहले ही मेरा एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ था आर्ट वर्क का,
तो पेंटिंग्स मेरे सिलेक्ट हुए थे यहाँ पे, जो इंटरनेशनली होते हैं ना, सारी दुनिया से कुछ ना कुछ आर्टवर्क सिलेक्ट करते हैं हर कंट्री से, तो पाकिस्तान से मेरा सिलेक्ट हुआ था। और जो है ना, मैंने कोरिया से अपनी पेंटिंग्स यहाँ पोस्ट किए थे, और ये मुझे फ्रेम में ना यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ दिख गया था, इसलिए मैंने सोचा अरे चलो ये भी बात शेयर ही कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा आर्टवर्क, तो ये एक पेंटिंग है जो कि डार्क कलर है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो ये वाली सिलेक्ट हुई थी, और दो पेंटिंग सिलेक्ट हुए थे बाय द वे। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, तो ये पेंटिंग सबसे इस रूम में है डेकोरेटेड, लेकिन हमने ना बेबी शॉवर किया था तो सारे सामान हमारे हटा दिए, तो ये वॉल्स भी पूरे खाली है, नहीं तो इधर डेकोरेटेड थे। तो अभी इसको वापस से हैंग कर देते हैं। और दूसरी पेंटिंग ये रही, धूल हो गई है, आपको ना धूप के, धूप में दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, रिफ्लेक्शन में। तो एक ये रही पेंटिंग मेरी, ये क्या है देखो, धूल धूल हो गई। और ये तो मेरा पर्सनल आर्टवर्क है, जो मैंने वो वाली ऑयल पेंटिंग्स है, और ये वाली जो है ना वो है प्रिंट मेकिंग की क्लास में लिथोग्राफी बोलते हैं उसका आर्टवर्क है, स्टोन के ऊपर आर्ट करके फिर प्रिंट्स लेते हैं, तो ये वो वाला आर्ट है मेरा। ये सारे मेरे और भी बहुत सारे आर्टवर्क है घर में, कहाँ कहाँ ट्रेडिशनल पेंटिंग किया था मैंने। तो फ्रेंड्स बस यही है आर्टवर्क्स हमारे, मेहनत का काम, ये देख के ना हमारी स्टूडेंट लाइफ याद आ जाती है। तो यार ये वाला सामान जो आ गया है, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये कैप्सिकम मंगाए थे, अच्छा दिया है, फ्रेश दिया है, नहीं तो हमेशा क्या होता है कि ऑनलाइन मंगाने से खराब आइटम्स भी आ जाते हैं, स्पेशली सब्जियां। तो अब मैं कैप्सिकम की क्वालिटी चेक करूँ, खुशबू आ रही है बहुत ठीक ठाक, ये थोड़ा थोड़ा डैमेज है लेकिन चल जाएगा काम। तो ये आ गया हमारी कैप्सिकम, और क्या आया है, और क्या आया है, और ये क्या है, गिफ्ट बॉक्स। तो ये तो मैंने मजे वाला चीज़ ऑर्डर किया था, ये वाला आया है ना, ये वाला कभी भी ऑर्डर नहीं किया। ये देखें क्या है बॉक्स के अंदर, चीज होममेड चीज हो शायद, देखते हैं चलो अभी खोल के देख देते हैं। नॉर्मली तो पैकेट्स वाला होता है ना चीज, ठीक ही लग रहा है, थोड़ी येलो इधर से ऑरेंज है थोड़ा थोड़ा इस टाइप से। ये रहा चीज, तो ये दो डब्बे ऑर्डर किए हैं, चलो आज ना इन चीजों से कुछ मजेदार इफ्तारी बनाते हैं। चलो इसको रखो 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 इधर, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा ईस्ट, ये है ना, यस ईस्ट तो इजीली मिल गया, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा चीनी, वेल्स चीनी चीनी, ये रही ये चीनी। अरे यार कपड़े भी अभी खराब हुए थे, आटा मैदा, अभी कितना अमाउंट लिया था हिसाब से, आई थिंक इतना 11। अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, इस मसाले बॉक्स में ना सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है, तो अभी नमक में थोड़ा थोड़ा चाट मसाले का भी पाउडर है, तो वो भी चला गया है अंदर। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ओरिगानो, थोड़ा टेस्ट है, पहले कभी नहीं डाला आज डाल रही हूँ, थोड़ा और डाल दूँ ना ज्यादा टेस्ट आएगा, उस बिस्किट की तरह। लास्ट टाइम चीज वाला बिस्किट खाया था ना हमने, एक फ्लेवर आ रहा था ओरिगानो का, तो हमारे पिज्जा से भी ओरिगानो की फ्लेवर आया। ईस्ट डालेंगे, पानी डालेंगे, मिक्स करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो है ना आटा वो गूंद गया, ये डबल साइज में हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, पता नहीं कैसे एक मैजिक होता है बड़ा हो जाता है। तो इसको ना ये देखो इधर चल रहा है, तेल लगाया इधर ही चल रहा है, तो इसको ना हम ढक्कन लगा कर देंगे, और मैं तब तक शिमला मिर्च और कैप्सिकम और क्या है ओनियन कुछ चीजें हैं जो कि काट के रखती हूँ, चीज चीज को शेडिंग करना है ना वो भी कर देती हूँ, चलो चीज करते हैं मजे वाला काम। उस मशीन का ये वाला पार्ट तो मिल गया, ये मशीन कहाँ है, मेन मशीन फाइनली हमें ये मशीन मिल गई, ये निकल गया चीज हमारा, ये देखो ये अभी चीज फ्रेंड्स इतना ज्यादा इतना अच्छे से निकल गया, ये देखो अच्छा हुआ ना। सादिया अभी तक इफ्तारी बना रहा है, बोला था कि मैं बेल के दो, मुझे सादिया नहीं दे रहा है बेलने के लिए, क्यों मैं बनाऊंगी पिज्जा, बस रोजा रखे हो टायर्ड हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं करके दे, ताकत है रोजे से, हम बहुत दिन बस शायद एक साल बाद पिज्जा खा रहे हैं, घर का बनाया हुआ, हमने छोड़ ही दिया पिज्जा, क्या होता है वो भूल ही गए आज, घर के बनाया हुआ पिज्जा, हाँ नॉर्मली बाहर से खाया लेकिन बहुत साल बाद खा रहा हूँ, बहुत साल साल तो हो ही गया होगा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ना पिज्जा बनाया साल तो हो ही गया होगा, सच बोलो, हाँ डेफिनेटली क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं बनाया, पहले बहुत पिज्जा बनाते थे, लास्ट रमजान में पिज्जा बनाए थे जब प्रेग्नेंट थे, बस अभी बना रहे, तो एक साल नहीं हुआ, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो वही तो बोल रहा हूँ साल हो गए, भूल तो नहीं गई पिज्जा बनाना, नहीं आज हम बनाएंगे मजेदार पिज्जा, और आज का वेस्टर्न फूड है टोटल, आज पूरा ही वेस्टर्न फूड है, और पिज्जा के साथ कुछ और चीजें भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि आपको दिख जाएगी। अभी फाइनल ट्रीटमेंट दे रहा है सदिया,
दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आज हमें क्या होता है? आज मैं इतनी इफ्तारी खाऊंगी ये मैं हर इफ्तारी बोलती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। जैसे शरबत पीती पेट भर जाता है। असल में इफ्तारी के बाद चाय बनाने की भी हिम्मत नहीं होती ना। आज हमें चाय पिलाना पड़ेगा। बाहर जगह पियेंगे, चलो अभी चाय पिए आज। अगर मिले तो पियेंगे, क्यों नहीं मिलेगा पता नहीं। रमजान की वजह से बाहर के रेस्टोरेंट का सिस्टम ही चेंज हो गया सर। वही तो यार, पहले जैसे नहीं रहा। ये हम बना रहे हैं वेजिटेबल पिज्जा, तो अभी हम इसमें ढक्कन लगाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं पैन पिज्जा। क्या कर दिया सदिया? ये देसी स्टाइल है, मतलब कोई चीज होता है ना नहीं दब रही, कुछ हेवी रख दो खुद बैठ जाओ। ब्रेक होता है ना, ब्रेक वो रख देती है, ब्रेक गर्म नहीं होता सदिया खुद ही बैठ जाता। खोल दिया, समझ आ गई। दिखाओ ना थोड़ा, इतना टेस्टी लग रहा है। अभी इधर हम पिज्जा रख रहे हैं। इफ्तारी खाते खाते हम लोग रूम में आ गए, ये रही हमारी इफ्तारी। और आर्यन को भी रूम में आना था इसलिए, और इसी के साथ ही आज का जो ब्लॉग है वो भी एंड कर रहे हैं। पिज्ज़ा ना बहुत अच्छा हुआ, मज़े का हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग ओविन में ट्राई करेंगे। इस बार फ्रैंक बिन में ट्राई किया। और आप लोग बताना कमेंट्स में आप लोग का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अपने बहुत सारा ख्याल, खुदा हाफिज़, बाय।시간을 배웠었던 형제 진행형 같아